दोस्तों एविएशन इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। रिसेंटली एक IBEF की एक रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन ट्रैवलर्स ने पिछले साल 2021 में करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया ट्रैवलिंग के ऊपर। पिछले साल बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे COVID-19 की वजह से, फिर भी 10,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंस यहाँ पे हुआ। इसको अगर 2018 से अगर कंपेयर करें तो ये फिगर 40% भी नहीं है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इसको प्रोजेक्ट करें अगले 4-5 साल में तो यहाँ पे ये जो खर्चा है वो करीब 40,000 करोड़ के आसपास जा सकता है। और इंडिया जो है वो 2024 में, मतलब 2 साल बाद, वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मार्केट हो जाएगा ट्रैवलिंग में, दैट इज़ एविएशन में। सो दोस्तों यहाँ पे इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारे यहाँ पे आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस सेक्टर में मिल पाएगी। सो सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर, दिस इज मोहम्मद। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करियर्स इन एविएशन इंडस्ट्री। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आप पायलट बन सकते हो। यहाँ पे पायलट की एवरेज सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग एवरेज सैलरी तो करीब 1 से 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे रहती है, और 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आपकी ये जो सैलरी है वो करीब 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पे हो जाएगी। सो बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलती है पायलट को। उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, फ्री ट्रैवलिंग, फ्री स्टे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पायलट को मिलती है। सो अगर आपको पायलट बनना है तो पायलट बनने के लिए आपको किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। 12th आपने क्लियर कर लिया है, साइंस होना चाहिए, 12th में साइंस आपने क्लियर किया है तो यहाँ पे आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको एक फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा, वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी होगी, वो लेकर के आप यहाँ पे एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले सकते हो। और उसके बाद में दूसरी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आएगी, मतलब जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो उड़ाने के लिए, वो करने के बाद में आप किसी भी एयरलाइन कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, करीब आपका जो खर्चा है लाइसेंस का खर्चा 50-60 लाख होगा, और दूसरी जो ट्रेनिंग है एडिशनल उसका खर्चा भी करीब 30-40 लाख के आसपास होगा। मतलब पूरा खर्चा मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास आपका खर्चा रहेगा। सभी लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास में कुछ रिसोर्सेज है या फिर अगर आपको लगता है लोन वगैरह लेकर के आप ये कर लोगे तो आपको ये करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली। अगर आपका इंटरेस्ट है इस एडवेंचर करियर में जाना है का, क्योंकि पायलट का काम बहुत ही एडवेंचर भरा होता है, एक प्लेन को उड़ा करके लेकर के जाने का, वहाँ पे ऊपर बहुत सारे टर्बुलेंस वगैरह आ सकते हैं, प्लेन को सही सलामत लेकर के वापस नीचे आपको आना है। सो एडवेंचर से भरा हुआ आपका रास्ता होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने का तो बहुत ही अच्छा आपके पास में ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप जा सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है, आप एक फ्लाइट इंजीनियर बन सकते हो। यहाँ पे फ्लाइट इंजीनियर का काम क्या होता है कि फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है, एक प्लेन जब उड़ान भरता है, उससे पहले उसको फ्लाइट इंजीनियर का क्लियरेंस चाहिए होगा। उस फ्लाइट इंजीनियर का क्लियरेंस नहीं है तो कोई भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। फ्लाइट इंजीनियर क्या करता है, पूरे प्लेन का इंस्पेक्शन करता है, सारे सिस्टम्स वगैरह सारी चीज़ें चेक करता है कि सही से सब कुछ काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। अगर सब कुछ सही सलामत अच्छे से काम कर रहा है तो फ्लाइट इंजीनियर प्लेन को क्लियरेंस दे देगा टेक ऑफ के लिए। तो यहाँ पे आपका काम जो है वो ट्रैवलिंग आपको ज़्यादा नहीं करनी होगी, एक ही एयरपोर्ट पे रह करके आप आपका काम जो है वो कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी करीब 80-90,000 पर मंथ यहाँ पे हो सकती है।
ये बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग करना होगा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे डिग्री लेना होगा, उसके बाद में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे जॉब आप कहाँ पे करोगे, तो एयरलाइन कंपनीज में ही आपको अप्लाई करना होगा। सभी एयरलाइन कंपनीज के अपने अपने फ्लाइट इंजीनियर्स होते हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं एरोप्लेन का, तो एयरलाइन कंपनीज में आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। उसके अलावा आप अलग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने इन डोमेन में इंजीनियरिंग किया है तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एविएशन में, ठीक है, तो फ्लाइट इंजीनियर का के रोल पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है, आप एज अ फ्लाइट टेक्नीशियन काम कर सकते हो अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री नहीं किया। अगर आप को लगता है कि इंजीनियरिंग आपसे नहीं होगा, आपको कुछ इजी वाला डिग्री करना है और एविएशन में जाना है टेक्निकल में, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप बीएससी कर सकते हो एविएशन में और आप एज अ फ्लाइट टेक्नीशियन बन सकते हो। फ्लाइट टेक्नीशियन का काम होता है फ्लाइट इंजीनियर को असिस्ट करना, फ्लाइट इंजीनियर जो जो सारी चीज़ें बोलते हैं वो सारे टास्क परफॉर्म करना और उनको असिस्ट करना इनका काम रहेगा। सैलरी की बात करें सो 25,000 to 30,000 पर मंथ के आसपास आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपके पास में ऑप्शन है, आप एज अ एयर होस्टेस या फिर एज अ कैबिन क्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एज अ एयर होस्टेस या कैबिन क्रू का काम होता है कि जो पैसेंजर्स होते हैं उनको सर्व करना, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करना, इमरजेंसी में सारे पैसेंजर्स की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें इनका काम होता है। तो ये बनने के लिए आप बहुत सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर एयर होस्टेस एंड फॉर कैबिन क्रू, वो कर सकते हो। उसके अलावा आप बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी कर सकते हो या फिर बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी कर सकते हो या फिर बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट जैसी डिग्री आप परस्यू कर सकते हो। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी करीब 40,000 to 50,000 के आसपास यहाँ पे हो सकती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उससे वैसे आपकी सैलरी भी यहाँ पे बढ़ेगी। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है एयरपोर्ट मैनेजर या फिर कार्गो मैनेजर। यहाँ पे आपका काम रहेगा एयरपोर्ट पे होने वाली एक्टिविटीज़ को मैनेज करना या फिर कार्गो जो जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है एविएशन के थ्रू, वो आपको मैनेज करना है। सो यहाँ पे आप जो जॉब है वो एयरलाइन कंपनी में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जॉब रहेगा जो कंपनी एयरपोर्ट को मैनेज करती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज मैनेज करती है जैसे अडानी ग्रुप है या फिर कुछ गवर्नमेंट एजेंसी मैनेज करती है जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इस तरीके की कंपनी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। सैलरी की बात करें सो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी करीब 40,000 to 50,000 रुपये पर मंथ के आसपास हो सकती है। यहाँ पे जाने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा, तो यहाँ पे जाने के लिए आप बीबीए इन एविएशन कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।